हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में हम तीन डिफरेंट एवरी डे मेकअप लुक्स क्रिएट करेंगे, जो हैं ड्यूई फिनिश, मैट फिनिश एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूई एंड मैट। क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस, अपनी प्रेफरेंस और अपना स्टाइल ऑफ मेकअप होता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए तीन डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर रही हूँ। जो आप लोगों को पसंद आए या जो आपको सूट करे, आप प्लीज़ ट्राई करें। बट प्लीज़ मेक श्योर किसी भी लुक को करने से पहले आपका फेस प्रॉपरली क्लेंस्ड हो और आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड हो। एंड प्लीज़ गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to my YouTube channel and follow me on Instagram. So let's get started. एवरीडे मेकअप की जो मैं फर्स्ट लुक क्रिएट कर रही हूँ वो है ड्यूई एंड ग्लोइंग मेकअप। और उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी। आई विल यूज़ मार्क जेकब्स यूथ क्विक मॉइस्चराइजर। ये मेरी स्किन को एक ग्लोइंग टेक्सचर देगा और बहुत अच्छी तरह हाइड्रेट करेगा। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट मैं अपनी फिंगर टिप्स पर पहले वार्म करूँगी एंड देन आई विल अप्लाई दिस ऑल ओवर माई फेस। और मैं इसको अच्छी तरह अपनी स्किन में अब्जॉर्ब होने दूंगी। जो मैं अगला प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है मैक स्ट्रोब क्रीम इन शेड पिंक लाइट। ये मेरी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, इल्यूमिनेट करेगा और इसको फर्दर हाइड्रेट भी करेगा। सो इस प्रोडक्ट का एम्फेसिस हाई पॉइंट्स पे होगा, थोड़ा सा चीक्स पे, जहाँ मैं चाहती हूँ मेरी स्किन ज़्यादा ग्लो करे। सो चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, क्यूपिड्स बो, चिन और थोड़ा सा चीक्स पे। और इसको अब मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। नाउ आई विल अप्लाई माई फाउंडेशन। और उसके लिए मैं बॉबी ब्राउन की स्किन फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ। दिस हैज़ SPF 2। ये एक बहुत ही लाइट वेट और बिल्डेबल फॉर्मूला है जो आपको नेचुरल स्किन लाइक फिनिश देगा। सो मैं अपनी फाउंडेशन डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करूँगी, बट आप लोग फ्लैट ब्रश, फ्लैट टॉप ब्रश या इवन अपनी फिंगर टिप्स भी यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए। अपनी नेक पे अप्लाई करना ना भूलिएगा। अब मैं नार्स रेडियंट क्रीमी कंसीलर यूज़ करूँगी टू कवर एंड ब्राइटन अप माई अंडर आई एरिया। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आपके कुछ ब्लेमिशेज या इम्परफेक्शंस कवर नहीं हुए, तो आप उसके लिए स्पॉट कंसीलिंग कर लें। मैं सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अपना कंसीलर ब्लेंड करूँगी। क्योंकि मेरी फाइनल लुक ड्यूई फिनिश है, उसके लिए मैं कम से कम पाउडर यूज़ कर रही हूँ। एंड इवन फॉर माय ब्लशर मैं एक जेल क्रीम फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ ग्लॉसियर क्लाउड पेंट इंस्टेड ऑफ अ पाउडर ब्लश, क्योंकि वो मेरी स्किन को एक नेचुरल रोजी कलर भी देगा और ल्यूमिनोसिटी भी देगा। सो मैं ये क्लाउड पेंट अपनी फिंगर टिप से लगाऊंगी एंड आई विल सिंपली डैब इट ऑन टू माई चीक्स और मैं इसको आउटवर्ड्स ब्लेंड करूँगी। अब मैं अपने फेस को मिनिमल सी डेफिनेशन दूंगी और उसके लिए मैं एक सटल कॉन्टोर करूंगी। एंड अगेन मैं कोई पाउडर यूज़ नहीं कर रही। आई विल यूज़ दिस क्रीम स्टिक बाय मैक स्टूडियो। दिस इज़ अ मल्टी यूज स्टिक। इसके एक एंड पे हाइलाइटर है और दूसरे एंड पे कॉन्टोरिंग है। यह आपको एक सॉफ्ट कॉन्टोर्ड फिनिश देगा और अगर आप चाहें तो इसको इंटेंसीफाई भी कर सकते हैं। सो मैं अपने ब्रश के साथ अपनी जेंटल कॉन्टोरिंग करूँगी। अब मैं इसी ही डबल एंडेड स्टिक से हाइलाइटर यूज़ करूँगी और ये मेरे फेस को एक सॉफ्ट सा ड्यू और मेरे हाई पॉइंट्स को इल्यूमिनेट करेगा। अब मैं तीन स्टेप्स में अपना आई मेकअप कंप्लीट करूँगी। सो फर्स्ट है कि मैं ये क्रीम शैडो स्टिक बाय बॉबी ब्राउन इन शेड गोल्डन पिंक, ये मैं अपने आईलिड्स पे डायरेक्टली अप्लाई करूँगी और मैं अपनी फिंगर के साथ इसको ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रोज को ग्रूम करूँगी एंड फॉर दिस आई एम यूजिंग बेनिफिट गिमी ब्राउ जेल। ये शेड 3 है और मैं अपर स्ट्रोक्स में अपनी आईब्रोज को एक फुलर लुक दे रही हूँ। मैं अपने आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ लाइट्स कैमरा लैशेज मस्कारा बाय टार्ट कॉस्मेटिक्स। ये मेरी आईज़ को बहुत इन्हांस करेगा और मेरे ओवरऑल मेकअप को स्टैंड आउट कराएगा। सो ये मैं अपनी दोनों ऊपर और नीचे की लैशेज पर अप्लाई कर रही हूँ और मैं इसकी प्रोमिनेंस के लिए एटलीस्ट 2 कोट्स करूँगी।
अपनी लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं अब अपने लिप्स को कलर करूंगी एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग जॉर्जियो अरमानी का लिप कलर इन शेड ब्लश नंबर 500 और अपने लिप्स के सेंटर को हाईलाइट करने के लिए मैं क्लेरेंस का इंस्टेंट लाइट नेचुरल लिप परफेक्टर यूज करूंगी इन शेड 04। फाइनली अपनी लुक को इंटैक्ट रखने के लिए और एक ड्यूई फिनिश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYX का सेटिंग स्प्रे। सो दिस वॉज माई एवरी डे ड्यूई मेकअप। अब करते हैं नेक्स्ट लुक क्रिएट। मेरी सेकेंड लुक है एवरीडे मैट मेकअप। वॉट इज़ मैट मेकअप? इस फिनिश में शाइन नहीं होगी लेकिन आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा और आपकी काफ़ी इम्परफेक्शंस छुप जाएंगी। अगर हम बात करें इनकी प्रोडक्ट्स की और इनकी फॉर्मुलेशंस की तो उसमें बहुत मिनिमल से लाइट रिफ्लेक्टिंग और स्पार्कलिंग एलिमेंट्स होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। सबसे पहले मैं अपने फेस को हाइड्रेट करूँगी, उसके लिए आई एम यूजिंग क्लिनिक पेप स्टार्ट। इसमें एडिड बेनिफिट है SPF 20 और आप सबके लिए सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। सो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्राइमर। मैं यूज़ कर रही हूँ टाचा का सिल्क कैनवस प्राइमर। ये प्रोडक्ट इंश्योर करेगा कि मेरा मेकअप इंटैक्ट रहे ज़्यादा देर के लिए, ये मेरे पोर्स को फिल इन करेगा और मुझे एक ओवरऑल स्मूथ सर्फेस देगा अच्छी मेकअप एप्लीकेशन के लिए। अब मैं कलर करेक्शन करूँगी। कलर करेक्शन आप किसी लुक के लिए भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके क्या ट्रबल स्पॉट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो उनको आप ऑरेंज, पीच या येलो टोन से काउंटरैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रेडनेस है तो उसको ग्रीन कलर से आप फिक्स कर सकते हैं। मैं आगे एक डिटेल्ड वीडियो कलर करेक्शन पर करूँगी बट अभी के लिए मैं अपना अंडर आई एरिया करेक्ट करूँगी। उसके लिए आई एम यूजिंग NYX का डार्क सर्कल कंसीलर इन शेड लाइट पील। सो इसको मैं फिंगर टिप से अप्लाई करके अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। कमिंग टू फाउंडेशन, मैं यूज़ कर रही हूँ NYX की कैन स्टॉप वोंट स्टॉप फाउंडेशन। ये आपके कॉम्प्लेक्शन को मैटिफाई करेगा और ये लॉन्ग वेयरिंग भी है। तो पहले इसको मैं अपने हाथ के पीछे वार्म करूँगी और फिर इसको मैं अपने फेस के मिड में डॉट करूँगी। और अब मैं अपने सिग्मा FAT ब्रश के साथ इसको ब्लेंड करूँगी। और अब अपनी नेक पे लगाना ना भूलिएगा। अब मैं लॉरा मर्सिए का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करूँगी विद माय मॉर्फी Y3 ब्रश। ये पाउडर मेरे फेस के एक्सेस ऑयल और शाइन को कंट्रोल करेगा और मेरी फाउंडेशन को सेट भी करेगा। नेक्स्ट इज हूला बाय बेनिफिट। ये एक मैट ब्रॉन्जिंग पाउडर है, सो एक ईजी और एवरीडे कॉन्टूर के लिए आप इसको अपनी चीक बोन्स के अंडर अप्लाई करें। आप इसको अलॉन्ग द हेयर लाइन लेके जाएं और आप इसको अपनी जॉ लाइन पे अप्लाई करें। इससे आपके फेस को डेफिनेशन भी मिलेगी और वॉर्म्थ भी मिलेगी। सो मैं सेम हूला ब्रॉन्जर से अपनी आईज को थोड़ा सा कलर, थोड़ी सी डेफिनेशन दूंगी। मैं वन शेड एप्लीकेशन कर रही हूँ और ये मेरी पूरी आईलिड पे आएगा और मैं इसको थोड़ा सा अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्टली मैं अपनी अपर लैश लाइन पे ये ब्लैक पेंसिल अप्लाई करूँगी, ये है मॉर्फी की डार्क रोम। और फिर एक छोटे ब्रश से मैं इसको स्मज कर दूंगी ताकि इसकी अपेयरेंस सॉफ्ट और सटल रहे। इट्स अप टू यू कि आप ब्लैक काजल या ब्लैक वाटरलाइन पसंद करते हैं अपने एवरीडे मेकअप के लिए या फिर आप अपनी आईज को ओपन अप करने के लिए, उनको ब्राइटन अप करने के लिए वाइट पेंसिल लगाते हैं। जो आप प्रेफर करें आप वो अप्लाई करें। मैं इस लुक के लिए ब्लैक वाटरलाइन करूँगी।
मेरा नेक्स्ट स्टेप है मस्कारा, ये मैं अपनी आईज़ को इन्हेंस करने के लिए और उनको ओपन अप करने के लिए लगाऊंगी। ये है मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा, सो इसके मैं सेवरल कोट्स दूंगी ताकि मेरी लैशेस थिक लगें और मेरी आईज़ और प्रोमिनेंट लगें। अपने आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए और ब्राउज़ को फिल इन करने के लिए मैं ये NYX का टिंटेड ब्राउ मस्कारा लगा रही हूँ इन शेड ब्रुनेट। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप, जिनके बाल बहुत डार्क हैं वो अपने बालों से एक से दो शेड्स लाइटर में ब्राउज़ को फिल इन करें, और जिनके बाल बहुत लाइट हैं वो एक से दो शेड्स डार्कर में अपनी ब्राउज़ को फिल इन करें। अपने लिप कलर के लिए मैं काइली कॉस्मेटिक्स का लिक्विड मैट लिपस्टिक लगाऊंगी इन शेड कैंडी के। ये एक वार्म पिंकिश कलर है और मेरी ओवरऑल लुक को ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो एक फ्रेश फ्लश ऑफ कलर के लिए मैं ये टार्ट कॉस्मेटिक्स का पाउडर ब्लश इस्तेमाल कर रही हूँ इन शेड कैप्टिवेटिंग। ये मेरे फेस को यूथफुल, हेल्दी एंड एक कंप्लीट लुक देगा। सो इसको मैं अपनी चीक्स पे अप्लाई करूँगी इन सर्कुलर मोशंस, और इसको मैं अपने कॉन्टोर में ब्लेंड करूँगी, और थोड़ा सा मैं इसको अपनी टिप ऑफ द नोज पे भी अप्लाई करूँगी। लास्टली अपनी लुक को इंटैक्ट रखने के लिए मैं ये अर्बन डिके का ऑल नाइटर सेटिंग स्प्रे लगाऊंगी। ये एक ऑयल फ्री फॉर्मूला है जो कि मेरे मेकअप को फ्रेश और स्मूथ रखेगा। सो ये थी मेरी एवरीडे मैट लुक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लुक। अब मैं आपके लिए वो लुक क्रिएट करूंगी जिसमें मैं डिफरेंट टेक्सचर्स को मिक्स एंड मैच करूंगी, और आप इसको कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूई एंड मैट कह सकते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस ये हो सकती हैं कि अगर आपने अपनी स्किन को मैट रखा है तो आप अपनी प्रोमिनेंट फेशियल बोन्स को हाईलाइट कर लें, या अगर आपकी ओवरऑल स्किन मैट है तो आप अपनी आईज और लिप्स को क्रीमी टेक्सचर दे दें। सो आप अपनी लुक्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। मैं अब आपके लिए अपनी लुक क्रिएट करूंगी। तो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है टिंटेड मॉइस्चराइजर बाय लॉरा मर्सिये। इस प्रोडक्ट में आपकी हाइड्रेशन, कवरेज और सन प्रोटेक्शन तीनों चीज़ें कवर्ड हैं। जो इसकी कवरेज है वो बिल्डेबल है, और ये आपकी स्किन को इवन आउट करेगा और एक स्मूथ फिनिश देगा। सो इसको मैं अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं ये मैक का मिनरलाइज कंसीलर लगा रही हूँ, और इस प्रोडक्ट का मेन एम्फेसिस मेरे अंडर आई एरिया पे होगा। जब आप एवरीडे मेकअप कर रहे होते हैं तो आपको मेन एरियाज़ को टारगेट करना चाहिए। आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स की लेयरिंग नहीं करनी, क्योंकि आपको एक इवन टोन्ड और स्मूथ फिनिश चाहिए, आपको एक केक्ड अप लुक नहीं चाहिए। सो इसको मैं अपने अंडर आईज़ पे अप्लाई करूँगी। और सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये लिक्विड कॉन्टोर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है NYX का स्कल्प्टन हाईलाइट। सो ये मेरे फेस को स्लाइट सी डेफिनेशन देगा, और जो इसकी कॉन्टोर्ड लुक है वो सॉफ्ट एंड ब्लेंडेड होगी। इसको डायरेक्टली मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ मुझे डेफिनेशन की ज़रूरत है। और फिर मैं इसको ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं अपनी चीक्स को थोड़ा सा कलर दूंगी, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बॉबी ब्राउन का लिप्स एंड चीक्स क्रीम ब्लश। ये है शेड पाउडर पिंक। तो ये प्रोडक्ट बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, और इसकी फॉर्मुलेशन बहुत पिगमेंटेड है, और ये आपको एक नेचुरल रोजी अपेयरेंस भी देगा। सो इसको मैं अपनी फिंगर टिप्स के साथ अपनी चीक्स पर अप्लाई करूँगी। एक ल्यूमिनस लुक और नेचुरल ग्लो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शार्लेट टिल्बरी का ब्यूटी हाइलाइटर वॉन्ड। ये प्रोडक्ट आपका एवरीडे मेकअप के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें वो ओवर द टॉप ग्लिटरी एलिमेंट नहीं है, और ये आपको एक बहुत सॉफ्ट सा हाइलाइटेड फिनिश देगा। इसका जो कुशन एप्लीकेटर है उससे इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान है, और आप इसको फेस पे डायरेक्टली अप्लाई करने के बाद फिंगर टिप से या ब्रश से ब्लेंड कर लें। सो मैं इसको अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी। और फिर मैं इसको ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी।
क्योंकि मैंने लिक्विड और क्रीम प्रोडक्ट्स अब इस्तेमाल कर ली हैं, तो अब मैं अपने फेस को एक सॉफ्ट सा पाउडर से टच दूंगी ताकि मेरा अंडर आई एरिया सेट हो जाए और कहीं कोई एक्सेस ऑयल या शाइन हो तो वो उसको मैटिफाई कर दे। और मैं इसके लिए लॉरा मर्सिए का ट्रांसलूसेंट पाउडर और दो डिफरेंट ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ। जो छोटा ब्रश है उससे मैं अपना अंडर आई एरिया सेट करूँगी और जो बड़ा फ्लफ ब्रश है उससे मैं अपना फोरहेड, नोज, चिन और थोड़ा सा मैं अपना कॉन्टोर भी सेट करूंगी सिर्फ साइड्स पे। अपनी ब्राउज को फिल इन करने के लिए और इनको एक ग्रूम्ड फिनिश देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ रिमेल का ब्राउ दिस वे जेल। अब मैं इस पेंसिल के साथ अपनी वाटर लाइन को फिल करूंगी ताकि मेरी आईज ब्राइटन अप लगे। और ये है इल्यूमिनेटिंग ब्राउ एनहांसर बाय सिफोरा, इसका शेड है मैट पेल पिंक। अब मैं सिग्मा का वार्म न्यूट्रल्स आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी जो वन ऑफ माई गो टू पैलेट है। और इसमें मैं ये शेड पैशन फ्रूट लगाऊंगी जो मेरी इंटायर आईलेट पे आएगा और फिर मैं ये शेड चार्मर से अपने इनर कॉर्नर्स हाईलाइट करूँगी। टू फिनिश ऑफ माई लुक मैं ये मस्कारा लगा रही हूँ फुल एक्सपोजर बाय स्मैश बॉक्स और ये मेरी लैशेस को वॉल्यूम देगा और मेरी आई लुक को इंटेंसिफाई करेगा। मेरी लुक अभी थोड़ी सी ड्यूई है जो मुझे पर्सनली अपने लिए बहुत पसंद है, लेकिन मैं इसको न्यूट्रलाइज और बैलेंस करने के लिए एक मैट लिपस्टिक लगाऊंगी। सो ये है काइली कॉस्मेटिक्स की कोको के लिक्विड मैट लिपस्टिक। लास्टली मैं मैक का फिक्स प्लस स्प्रे यूज करूंगी टू सेट एंड रिफ्रेश माई मेकअप। सो दिस वॉज माई मिक्स एंड मैच ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो एंड अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने प्रोडक्ट लिस्ट अकॉर्डिंग टू द लुक्स मैंशन कर दी हैं और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज़।